नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विनय जी, जो छोटे छोटे बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए प्रेरित करते हैं, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं। और विनय जी के बारे में पता चला है कि उनका एक अपना इंस्टीट्यूट भी है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से ही है। क्या कारण है कि आप बाबा साहब की शिक्षाओं को इतने जन जन तक पहुँचा रहे हैं विनय जी? देखो सर, जिस समस्याओं से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है तो मुझे लगा है कि बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समस्याएँ आती हैं, तो इसीलिए मैंने अपना एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से कोचिंग खोला है। और पहली क्लास से आठवीं क्लास तक के बच्चों को मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ, और जिसमें मैंने तीन चार टीचर भी अपनी तरफ से रखे हैं, और ये सभी बच्चे मेरे कोचिंग के हैं जी। और ये सब बच्चे वहीं पढ़ते हैं जी। और इन बच्चों को मेरा लाने का मेन पर्पस ये था कि ये भी बाबा साहब की विचारधाराओं से अवगत हों और मेरी तरह ही अच्छा काम करें, जिससे देश के लिए और देश के लोगों के लिए और देश के जो गरीब बच्चे हैं उनको हर जगह शिक्षा मिल सके जी। ये आपके बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, क्या करते हैं आप गुड़िया, क्या आप बताएंगे क्या? हम बाबा साहब के बारे में जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए यहाँ पर आए, श्रद्धांजलि देने के लिए आए। अच्छा, आप और क्या करते हैं, आपका क्या नाम है? ओम। ओम नाम है आपका, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ओम सिक्स्थ क्लास में। तो यहाँ पर आप आए हैं, क्यों आप आए हैं बताओ? सर ने बोला इसलिए आ गए, आपको अच्छा लगा इसलिए आ गए? हम डॉक्टर बाबा अम्बेडकर को देख रहे थे और वो अच्छे अच्छी पढ़ाई करते थे, हम उनकी शिक्षा लेने आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे पता है आपको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बहुत बड़े महान नेता थे। बहुत बड़े नेता थे, अच्छा, वो एक महान व्यक्ति थे और जिन्होंने संविधान लिखा। क्या नाम है आपका? कशिश। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा ऐसा महान काम करा कि इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए बताएं? जी सर, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे देश का संविधान लिखा था, जिन्हें एक महान व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ये सात व्यक्ति को मिलकर लिखना था, बट किसी कारणवश छः लोग नहीं लिख पाए, तो थोड़ा थोड़ा मिलकर बाबा साहब ने उसे कम्प्लीट किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। ये देखिए, बाबा साहब को थोड़ा सा समझ रहे हैं, थोड़ा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को बहुत अच्छी बात है, कोशिश तो करी समझने की। और ये सारा क्रेडिट जाता है इनके सर को, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समझाने के लिए कि बाबा साहब कौन थे, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या करा, उन्होंने बच्चों के लिए क्या करा, और ये सारा काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं सारे की सारी टीम। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, इसी तरीके से प्रेरित करते रहें बच्चों को। जी सर, बहुत बढ़िया काम है आपका। सर देखो, एक ये था बच्चों को लाने का सबसे मेन पर्पज, सबसे ज़्यादा मैं लड़कियों को लाया हूँ, क्योंकि जो बाबा साहब ने हिंदू कोड भी लिखा है और महिलाओं के लिए ही सबसे ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया है, कि हमारे देश में भी, हमारे देश में विदेशों की तरह महिलाओं को आज़ादी नहीं थी, पर हमारे देश में जो आज़ादी मिली है वो बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान के द्वारा मिली है। क्योंकि जब तक ये महिलाएँ, ये लड़कियाँ नहीं जानेंगी कि बाबा साहब ने क्या किया है इनके लिए, तो जब तक ये नहीं समझ पाएंगी, तो इसलिए इनको लाया गया कि बाबा साहब की विचारधाराओं से अवगत हों और इन्हें बाबा साहब के बारे में पता लगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बाबा साहब का नारा लगा दो आप लोग सारे मिलके। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।